हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो यही आती है। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे से तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफी गेम्स डेवलप हो रहे। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज है, दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है, मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिटिगेट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मैं उन्होंने स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम में, और हर बच्चा खेले, भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी बात सब सुन के मानते भी है। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है, जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम फॉर गेम्स करके, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया या फिर ऐसे छोटे छोटे, जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे भी और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे।